सो गाइस, ये मैंने व्यू लिया है गोवा में नाइट का। जी हाँ, बीचेस के पास इतने अच्छे से डेकोरेट करते हैं ना, क्या ही कहना। सो गाइस, ये है गोवा। गोवा की गलियों में अभी हम टहल रहे हैं। हम बीचेस वगैरह से आ चुके हैं एंजॉय करके, और ये सभी ड्रेसेस वगैरह। यहाँ पे शॉपिंग करना बहुत ईजी है गाइस। यहाँ पे हर दुकान में सभी ड्रेसेस मिलती हैं यार, बट हमने नहीं किया, एक दो ही किया, जाता नहीं। दिन भर में तो इतना धूप था कि क्या ही बोलना, थोड़ा बहुत ही किया हमने शॉपिंग। ये देखो, गोवा की गलियों में हम रात को टहल रहे हैं। कल अपना जो होटल है ना, वो चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोकेशन को चेंज करेंगे, तो वही हम देखने आए हैं। ठीक है गाइस, पहले मैं ढूंढ लेती हूँ, देख लेती हूँ कैसा होटल वगैरह, देन उसके बाद मिलती हूँ। तो हम आज ही चेंज करेंगे, मतलब आज ही एडवांस दे देंगे, कल हमारा 9 बजे चेकआउट है, तो हम चेंज करेंगे। सो गाइस, आप लोग देखो गोवा कितना खूबसूरत लग रहा है सच में। हम लोग अपना भी तो बनाएंगे, हमें भी तो आना है ना। मैं बैक कैमरा से बनाती हूँ, हाँ, मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो मेरा बच्चा, वो तो फेंक दे बेटा। कितनी चहल पहल है ना यहाँ पे, देखो कितना ज़्यादा चहल पहल है। बीच, हाँ बीच के पास ज़्यादा, और ज़्यादा चहल पहल है। हम लोग बीच से थोड़ी सी दूर है एक्चुअली, तो है फिर भी बहुत चहल पहल है। मैं एक तरीके से डोमिनोज यहीं पर था ना। यहीं पर था ना, देखो रौनक कितना अच्छा है मेरा ना। कोई बोलेंगे कि दीदी के ऊपर ही तेरा लगता है, तो हाँ है ना यहाँ पे नहीं लग डोमिनोज। हाँ, हम लोग जाएंगे डोमिनोज में खाने। देखो गोवा कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग, हमारा फेवरेट पिज़्ज़ा हम खाएंगे। सो गाइस, अभी वो पिज़्ज़ा पिक करने गए हैं। हमने ले ली है ये कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि ये यहाँ का खाना हम नहीं खा सकते सच में यार। सुबह सुबह से इडली डोसा खाया है, अब नहीं खाया जाएगा हमें। मुझे जैसा राइस चाहिए वो यहाँ नहीं मिलता है, थाली भी मुझे नहीं मिला जहाँ पे हम रहे हैं। तो चलो ये खा लेते हैं आज, कल का कल देखेंगे। कल हमारा ट्रिप है, तो हम ट्रिप के लिए निकल जाएंगे, तो इंक्लूडिंग ही है इसमें, जो भी इंक्लूडिंग ही है फूड एंड ऑल, तो जो भी वो देंगे वो हमें खाना पड़ेगा। एटलीस्ट अच्छा है कि हमें वेज नॉन वेज का इतना टेंशन नहीं है। मुझे बहुत मतलब, मुझे बोलते हैं ना वेज है, फिर भी मुझे नॉन वेज ही फील होता है, पता नहीं कैसे। आज गोभी की सब्ज़ी को देख के मैं नॉन वेज बोल रही थी, मन में बैठा है ना सी फूड है, सी फूड मिला तो नहीं दिया, मिला तो नहीं दिया। इससे यार अगर आप लोग नहीं पकड़े रहो, पकड़े रहो। ये देखो गोवा कितना अच्छा लग रहा है, नाइट को सबसे बहुत अच्छा लगता है गोवा। लेकिन मेरे बेटा को पसंद नहीं है, क्योंकि बोलते हैं मम्मी जहाँ भी देखो नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज। आज ये भी पता है, आज है ना गोभी की सब्ज़ी को देख के इसे भी लग रहा था कि वो ना नॉन वेज है, मुझे भी लग रहा था। मतलब तो ऐसा सकल ही था गोभी का आज, तो फिर उन्होंने टच किया, बोला कि नहीं नहीं वेज है, क्योंकि हमने वेज ऑर्डर किया। फिर भी मन में डाउट होता है, मतलब ये लग रहा है। मैं तो आ गई, लेकिन सोचा नहीं, हमने इतना सोचा नहीं कि ऐसा होगा। चलो कोई बात नहीं, होता है। जब तक हम देंगे बाहर जाएंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, तो समझ में क्या आएगा लाइफ। अब लहसुन प्याज की वजह से या फिर सात्विक होने की वजह से रुक क्यों नहीं जाएगी, है कि नहीं। चलो पिज्ज़ा लेते हैं फटाफट से और थोड़ा निकलते हैं। नंबर 54 ना। सो फाइनली वी गॉट आवर पिज्ज़ा, वी आर गोइंग टू हैव दिस नाउ, है ना। फाइनली वी गॉट आवर पिज्ज़ा, वेज है सामने बनाया हुआ वेज है। चलो चलते हैं रूम पे।
गाड़ी आ रहा है। लाइए लाइए हम ले ले। हाँ हाँ ले रहे हैं। दिन में क्या था, लग रहा था कुछ क्या? हाँ दिन में कुछ कुछ नहीं था दिन में। इधर तो अंधेरा आ रहा है। सो ब्लू नाइट में कैसा लग रहा है आपको गोवा बीच? उधर नहीं जाना है ना बेटा? बाहर नहीं, इधर नहीं आता। अरे पार्क करके कितना अच्छा लगता है रात में गोवा। एक ये पानी कितना अच्छा है। हम लोग यही व्यू देखने आए थे बेटा। चले